हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइटवे इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा आप लोगों के ओसी के पेपर अभी जो मंडे को हो चुके हैं, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का, बेस्ड ऑन द वीडियो उसी से रिलेटेड अपने को बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो अभी बच्चों का नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है हमारा एसपी का, जिसके लिए एक दिन का बस हॉलीडे दे के रखा गया गवर्नमेंट द्वारा। तो बेटा आप लोगों के लिए एसपी के पेपर के लिए कौन सा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जस्टिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आंसर इन द ब्रीफ इंपॉर्टेंट है, उस सब स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के पास लेके आ गया हूँ। तो बेटा अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आने वाले टाइम में आपके बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसके आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आप लोग को वीडियो द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में हमें आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में करके जाना है और आपके जो ओएसपी के पेपर में आने वाले हैं, मैं 1 by 1 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इधर भी ध्यान दीजिए और अपने टेक्स्ट बुक नहीं तो अपना एक पेपर में ये पूरा भूल जाओगे, जितने भी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर उससे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलो देख लेते हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने ओसी के पेपर में बताया था कि बेटा ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को फुल मार्क्स आना चाहिए, तो अभी इसमें 20 में से 20 एनी हाउ आप लोग को लेके आने का, तभी हमारा जो 70 प्लस का जो टारगेट है इजिली अचीव हो पाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, हमारा जो रहेगा 6 दिया रहेगा उसमें से 4 करना रहेगा 8 मार्क के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखो आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा है कि कौन कौन सा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स देख रखा, जैसे इसमें स्टॉक एक्सचेंज है, ओवरड्राफ्ट है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 मैंने ऐसा टर्म्स देख रखा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा मोस्ट टू मोस्ट चांसेस है। तो ये 12 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो बेटा तो ये 12 के 12 अच्छे से कर लो, पूरे बोर्ड की पूरी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर देखने के बाद में हम लोग यहाँ पे ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारा जो केस स्टडी रहेगा, केस स्टडी हम बेटा आप लोगों को 3 केस स्टडी दिए रहेंगे, उसमें से 2 करना रहेगा और 1 केस स्टडी का मार्क्स है 3। तो आप लोगों को कैसा केस स्टडी रहेगा, तो आप लोग का जो टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपको बोर्ड के एग्जाम में केस स्टडीज भी आएंगे। तो मैंने देखो कैसा लिखा होगा, जैसे लिखा मिस्टर सतीश सी एच बोले थे चैप्टर नंबर 2 मिस्टर सतीश का जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक्सरसाइज मतलब टेक्सुअल में टेक्स्ट बुक के पीछे साइड में देखोगे चैप्टर नंबर 2 में मिस्टर सतीश का केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा, वो अलग करके जाओ। उसके बाद में मिस्टर रोहित सेम टू सेम चैप्टर नंबर 2 में है, जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। उसके बाद में TRI लिमिटेड चैप्टर नंबर 3। वैसे मैंने आप लोगों के पास पूरा 12 के 12 केस स्टडीज लेके आ गया हूँ, जो चैप्टर नंबर जो तुम्हारा केस स्टडी का पोर्शन कंप्लीट करके देगा। इसमें केस स्टडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बच्चों लोगों का बहुत डाउट था कि सर ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो केस स्टडीज का जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में इजीली मिल पाए। तो बेटा ये 12 कर लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसी में से कुछ ना कुछ आप लोग बोर्ड के एग्जाम में जरूर आने वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिडविन है जो 12 मार्क का होने वाला है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मिडविन दिए रहेंगे आप लोगों को 3 करने का। तो बेटा पूरे बुक का मैंने डिस्ट्रिक्ट मिडविन में से सबसे मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट मिडविन है जो तुम्हारे इस बार बोर्ड के एग्जाम में 2024 में आने वाले, वो 8 महीने लिस्ट बना के दे दियो। यही 8 में से आप लोगों को 3 डिस्ट्रिक्ट मिडविन होने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोग इसमें से इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड करोगे। सेकेंड वन इज अ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। थर्ड वन इज अ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फोर्थ वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। वैसे पूरा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का 8वां जो क्वेश्चन है हमारा प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ये 8 के 8 डिस्ट्रीब्यूटिंग कर लो। पूरे बुक का डिस्ट्रीब्यूटिंग करने का ना टाइम है ना जरूरत है। तो बेटा इसी में से आप लोगों के 3 डिस्ट्रीब्यूटिंग आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट वन इज हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है आंसर इन अ ब्रीफ, जो हमारा 8 मार्क का रहेगा। 3 क्वेश्चन देने का 2 करना लगेगा, मीन्स 1 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क है। तो बेटा मैं 8 मार्क ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन ऐसा ला कर दे दिया हूँ जो इसी में से 2 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। पूरी बुक्स की स्टडी करने का भी ना टाइम है, और ये आप लोग स्मार्टली स्टडी करो, इसी में से आप लोगों के जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं डाल के रखा, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर भी है, कंपनी भी है, तो मोस्टली इन्वेस्टर ज्यादा पूछा जाता है, तो बेटा इन्वेस्टर पे ज्यादा ध्यान दो। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी 4 प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर इश्यू ऑफ अ डिबेंचर, तो ये इसका 4 प्रोविजन बस लिखना है 4 मार्क के लिए। तो बेटा ये हम लोग ने ओवरऑल सिनेरियो जो देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का, और आने वाला क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमारा अपकमिंग वीडियो में रहेगा, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के पास भी बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इनको भी इस चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी टेंशन मत लो, इतना करके जाओ, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।